दोस्तों ट्रेन में सफर तो हर कोई करता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये ट्रेन बनती कैसे? आज हम आपको इस वीडियो में अच्छी तरह से बताएंगे कि आखिर ये ट्रेन कैसे बनती है और कहां बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेलवे की जान जो कि है उसके पहिए, उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों हर रोज लाखों लोग इस ट्रेन से ट्रेवल करते हैं और जब आप ट्रेन से ट्रेवल करते हैं तब आपके मन में एक सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिर इस ट्रेन में इतने ताकतवर पहिए जो कि हजारों लोगों को एक साथ लेकर जाते हैं, उन्हें आखिर बनाया कैसे जाता है। इसे बनाने की शुरुआत होती है एक बड़े लोहे की रोड से। एक ब्लेड के जरिए इन रोड्स को छोटे छोटे हिस्सों में काटा जाता है। सही आकार में काटने के बाद अब उन्हें एक मैग्नेट के जरिए मूव किया जाता है। अभी इन बड़े बड़े लोहे की रोड्स को इंडक्शन में रखा जाता है। ये इंडक्शन काफी पावरफुल होते और 20 मिनट में ही 10 से 15 रोड को लाल कर देते। अब इन्हें कन्वेयर के जरिए दूसरे मशीन के पास भेजा जाता है। ये क्लॉव मशीन उन्हें उठाकर फिर दूसरे इंडक्शन में डालती है। ये इंडक्शन इस गोल्ड रोड्स को ज्यादा गर्म कर देती है ताकि उन्हें शेप दिया जा सके। अब उसे वहां से बाहर निकाल कर दूसरे मशीन पर रखा जाता है। इस मशीन के दो आर्म गर्म रोड को सही जगह पर लाते हैं। अब एक काफी भारी प्रेस इस गर्म लोहे को प्रेस करता है। दो बार प्रेस करने के बाद ये किसी असली रेल के पहिए का आकार लेना शुरू कर देते हैं। अब उसे वहां से बाहर निकाला जाता है और दूसरी मशीन के पास एक क्लॉव मशीन के जरिए ले जाया जाता है। याद रखिएगा ये एक पहिया 500 से 600 किलो का वजन का होता है। अब अगली मशीन इस पर रोलर प्रेस करती है जो कि इस पहिए में ऐसा शेप बन जाए जो रेल पर अटक जाए और अच्छे से चल पाए। इस सारी प्रोसेस को कंप्यूटर के जरिए लगातार मॉनिटर किया जाता है। सही शेप आने के बाद उसे दूसरे प्रोसेसिंग मशीन पर रखा जाता है। ये उसे प्रेस करके उसके बीच के हिस्सों को काट देता है ताकि यहाँ पर एक्शन लगाया जा सके। जैसे ही इस प्रयोग को बाहर निकाला जाता है वैसे ही इस मशीन पर पानी भरा जाता है। अब एक सेंसर की लंबाई और चौड़ाई मेजर करता है। अब इन सबको उठाकर ठंडा होने के लिए पानी में रख दिया जाता है। ठंडा होने के बाद उसे पाइलिंग मशीन पर रखा जाता है। ये मशीन पाइपों के एडजस्ट बनाता है और उसे चमका देता है। चमकाने के बाद अब उन पर हॉल गिराए जाते हैं और उन्हें एक्सेल के साथ ज्वाइन कर दिया जाता है। अब इसकी टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग पास करने के बाद इस पर कलर मारा जाता है। अब इसको सील किया जाता है और सीधा अगले फैक्ट्री में पास किया जाता है। अब बात करते हैं ट्रेन की पटरियों की। सबसे पहले पटरियां लोहे से बनाई जाती है। अब वह पटरियां या तो टूट जाती थी या फिर बार बार ट्रेन उस पर से जाने की वजह से साइज में कम हो जाती थी, इसीलिए आखिर में उन्हें स्टील से बनाया जाने लगा। जो फैक्ट्री हम आपको दिखाने जा रहे हैं वह पटरी बनाने के लिए रिसाइकल चीजों का इस्तेमाल करती है। सबसे पहले एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के जरिए स्क्रैप को उठाकर एक कंटेनर में डाला जाता है। अब कंटेनर फुल हो जाने पर ट्रक इसे लेकर दूसरे वेयरहाउस में जाता है। अभी क्रेन इस कंटेनर को उठाकर फर्नेस में डालता है। अब इलेक्ट्रिकल करंट के जरिए सारे स्क्रैप को 1600 डिग्री सेल्सियस तक पिघलाया जाता है। अब इस लावा को एक कंटेनर में डाला जाता है। अब इस लावा को एक ट्यूब के जरिए एक सांचे में डाला जाता है। अब एक पावरफुल टॉर्च इन्हें 3.5 मीटर में काट देता है। अब क्रेन इन्हें फर्नेस में डालती है जहां पर इन्हें 5 घंटों के लिए फिर से 1200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। अब इस लाल स्टील को कन्वेयर के जरिए दूसरे मशीन में लाया जाता है। अब जैसे ही गर्म स्टील ब्लॉक इस रोलर के अंदर जाता है वैसे ही लंबा होने लगता है। जब ये इसके नीचे से 3 से 4 बार गुजर जाता है तो वह पहले के साइज से 4 गुना लंबा हो जाता है। अब ब्लेड उन्हें फिर से 4 हिस्सों में काट देता है और फिर से इन्हें गर्म होने के लिए फर्नेस में डाला जाता है। अब गर्म होने के बाद ये दूसरे सांचे में डाला जाता है जो इसे पटरी पर आकार देता है। अब बात करते हैं आपको अपने शहर तक पहुंचाने वाले ट्रेन के डिब्बों के बारे में। डिब्बों को कैसे बनाया जाता है? इसे बनाने की शुरुआत होती है बड़े बड़े स्टील के सीट को एक साथ जोड़ने से। वर्कर इन सीटों को काफी सटीकता से जोड़ते हैं ताकि कोई हादसा ना हो। डिब्बों के हर एक साइड को अलग अलग बनाया जाता है। अब सारी चीजों को एक साथ लाया जाता है और उन्हें जोड़कर डिब्बों का आकार दिया जाता है। इसके लिए वह बड़ी बड़ी क्रेन का इस्तेमाल करते हैं। अब इस खोखले सीट को पेंटिंग के लिए भेजा जाता है। वही दूसरी तरफ इसके नीचे एक इंजन रेडी किया जाता है। इसके लिए वह बड़े से लोहे के प्लेटफॉर्म जिस पर स्प्रिंग लगाई होती है उस पर पहले बनाए हुए पहियों को लगाते हैं। इस ट्रेन का सिस्टम अलग होता है पर जो डिब्बे हम आपको दिखा रहे हैं उस पर 3 पहियों के जोड़े लगते हैं। अब उन्हें काफी सारे स्क्रू के जरिए सील पैक कर दिया जाता है और इन्हीं सारे सिस्टम में एयर ब्रेक को लगा दिया जाता है। इन्हीं ब्रेक्स के बदौलत ट्रेन हर एक प्लेटफॉर्म पर सही अंतर पर रुक पाती है। अब उसके पूरे सिस्टम को सीधा किया जाता है।
पेंटिंग होने के बाद अब इन डिब्बों को इस सिस्टम पर रखा जाता है। अब उनकी इंटीरियर डिजाइनिंग की जाती है। इस फर्नेस में सारे तरह के काम आ जाते हैं, जैसे फ्लोरिंग, पैनलिंग, शीट, होल्डिंग बार, पानी की सुविधा, टॉयलेट और बिजली की सुविधा। इन सारे कामों को काफी कुशल कारीगर द्वारा किया जाता है। अब डिब्बों के ऊपर फाइनल पेंटिंग करके उनकी फिनिशिंग की जाती है। दोस्तों चलिए अब आपको कुछ और बातें भी बताते हैं। भारतीय रेल वर्तमान में डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन का भी इस्तेमाल करता है। भारतीय रेलवे पहले भाप इंजनों का भी इस्तेमाल करता था, लेकिन अब भाप इंजनों का इस्तेमाल सिर्फ हेरिटेज ट्रेनों के लिए ही किया जाता है। अब आपके मन में ये बात तो जरूर आती होगी कि आखिर ये रेल के इंजन बनते कहाँ हैं? ये शायद आप जानते होंगे, इसीलिए आज हम आपको इंजन बनाने वाली फैक्ट्री के बारे में बता रहे हैं। नंबर एक, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि BHEL भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग का निर्माण क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। कंपनी ने भारतीय रेलवे को हजारों इलेक्ट्रिक इंजनों, DE लोकोमोटिव्स, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, ट्रैक रखरखाव मशीनों की आपूर्ति की है। BHEL WAG-7 विद्युत लोगों का निर्माण किया है। नंबर दो, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स भारत में स्थित एक राज्य के स्वामित्व वाली इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव निर्माता फैक्ट्री है। यह आसन सोल के चित्तरंजन में स्थित है। यह दुनिया के सबसे बड़े लोकोमोटिव निर्माता कंपनियों में से एक है। इस कंपनी ने WAP-7, WAP-5, WAG-9, WAG-7, WAP-4 जैसे पावरफुल इंजन का निर्माण किया है। नंबर तीन, डीजल रेल इंजन कारखाना वाराणसी। भारत के वाराणसी में स्थित डीजल रेल इंजन का कारखाना है, जो भारतीय रेलवे को डीजल इलेक्ट्रिकल इंजन और इसके स्पेयर पार्ट का निर्माण करता है। ये भारत में सबसे बड़ा डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव निर्माता है। फिलहाल DLW-EMD-GT46-MSE और EMD-GT46-PAC लोकोमोटिव का निर्माण कर रहा है, जो भारतीय रेलवे के लिए इलेक्ट्रोमल्टीव डीजल पूर्व GM-EMD से लाइसेंस के तहत। इसके पूर्व में EMD लोकोमोटिव उत्पादों में WDP-4, WDP-4D, WDG-4D, WDG-5 लोकोमोटिव शामिल है। नंबर फोर, डीजल लोको आधुनिकरण निर्माता पटियाला। डीजल लोको आधुनिकरण वर्क्स भारत में पंजाब राज्य के पटियाला में स्थित है। पहले इसे डीजल कंपोनेंट वर्क्स के नाम से जाना जाता था। 1981 में भारतीय रेल के डीजल इंजनों की सेवा जीवन का विस्तार करने और उनकी उपलब्धता के स्तर में वृद्धि करने के लिए इसे स्थापित किया गया था। अब बात करते हैं भारत के कुछ प्रमुख रेल कोच कारखानों की। नंबर एक, रेल कोच कारखाना कपूरथला। रेल कोच कारखाना कपूरथला की स्थापना 1986 में हुई थी। ये भारतीय रेलवे का दूसरा रेल कोच कारखाना है। अब तक यहाँ 51 प्रकार के कुल लगभग 16,000 यात्री डिब्बों का निर्माण किया जा चुका है। रेल कोच फैक्ट्री ने वर्ष 2013-2014 में रिकॉर्ड किया था, जबकि ये प्रति वर्ष 1500 कोचों का निर्माण करती है। रेल कोच फैक्ट्री ने राजधानी शताब्दी, डबल ड्रेकर और अन्य ट्रेनों जैसे कि उच्च गति वाली ट्रेनों के लिए डिब्बे के तेज विभिन्न प्रकारों के उत्पादन किए हैं। नंबर दो, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी कि ICF भारत में तमिलनाडु राज्य में चेन्नई में स्थित है। ICF 170 से अधिक तरह के कोचों का निर्माण कर चुका है, जिनमें प्रथम और द्वितीय श्रेणी के कोच, पेंट्री और रसोई घर सामान और ब्रेक वैन, स्वचालित कोच, इलेक्ट्रिकल EM, डीजल और मैन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट मेट्रो कोच और डीजल इलेक्ट्रिक टावर कार, दुर्घटना रहित चिकित्सा वैन, निरीक्षण कार, ईंधन परीक्षण कार, ट्रैक रिकॉर्डिंग कार और लग्जरी कोच शामिल है। इसी के साथ शुरू होने के बाद ICF द्वारा 18 अगस्त 2015 तक कुल 50,000 डिब्बों का उत्पादन किया गया था। नंबर तीन, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली। मॉडर्न कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के रायबरेली के पास लालगंज में भारतीय रेल की एक रेल कोच निर्माण इकाई है। भारत में यह तीसरी फैक्ट्री है जो रेल डिब्बों का उत्पादन करती है। ये फैक्ट्री एक साल में लगभग 1000 LHP कोच का निर्माण करती है। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फॉलो करें हमारे पेज को, और ऐसे ही और भी वीडियोस को YouTube पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद।